डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा, डीएसवी फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। घर बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर का एंजॉय कर रहे हैं। और आज का लेक्चर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था वो है सोलेनोइड। आज हम सोलेनोइड के बारे में पढ़ेंगे। सोलेनोइड होता क्या है, क्या उसका एप्लीकेशन है, कैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हम सीखेंगे। बोर्ड लेवल का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूपी बोर्ड विशेषकर, जिसमें ये 3 से 5 नंबर का ये डेरिवेशन पूछता है, और सीबीएसई बोर्ड वालों बच्चों के लिए तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही है। तो ये सोलेनोइड स्टार्ट करते हैं हम। सोलेनोइड बेटा, जिसको हम हिंदी में परिनालिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिनालिका। अब ये परिनालिका है क्या चीज़? देखिए, परिनालिका आपने बुक्स में देखा हुआ है, एनसीईआरटी की किताबों में देखा हुआ, कुछ इस तरह से हेलिकल स्प्रिंग टाइप से बनी रहती है ना। ये दरअसल है क्या? दरअसल बच्चों ये जो है वो एक कॉपर के वायर है और उसको इस तरह से रैप किया गया है लाइक स्प्रिंग। ठीक है, आप लोगों ने स्प्रिंग देखी है, हेलिकल स्प्रिंग, तो इस उसमें हेलिक्स बने हुए होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो एक सोलेनोइड का है। कैसे बनाते हैं? मान लीजिए इसके लिए हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड में ये तारों के टर्न्स का लपेटा मार दिया बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको लपेट दिया। तो जब हम इसको लपेट देंगे, और ध्यान रखना कि ये जो बेस है वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। बेस शुड बी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लाइक वुड, लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का ये बेस रहता है हमारे पास में, और ये जो वायर हमने इस पे रैप किए हुए हैं, ठीक है, लपेटे हुए हैं, वो कंडक्टिंग होने चाहिए और इंसुलेटिंग होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने तारों को छील के रख दिया हो, होते ना तारों को छील के रख दिया, वो नहीं, नेक्ड वायर नहीं होना चाहिए। वायर जो होना चाहिए उसके साथ कुछ इंसुलेशन होना चाहिए, रेड कलर का इंसुलेशन हो, येलो कोटिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन इंसुलेशन होना चाहिए जिससे कि तार आपस में मिले नहीं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सोलेनोइड। अब बात ये बनती है कि सोलेनोइड ऐसा क्या हो गया कि भाई मैग्नेटिज्म में हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि देखो, अगर ये सोलेनोइड है और इस सोलेनोइड को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट किया, जब मैं इसे बैटरी से कनेक्ट करूँगा, तो बैटरी से कनेक्ट करने से, 20 वोल्ट की मान लीजिए बैटरी है, जब इसमें करंट फ्लो होगी तो करंट पूरे में रन करेगी। ठीक है, अगर मैं इसी बेस को हटाकर इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूं, तो अगर मैं इसे फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो ये हमेशा और हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये एक मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रही है, एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है। जब ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है तो इसका मतलब हमें इसे मैग्नेटिज्म में पढ़ना ज़रूरी है। हम इस जब इसमें करंट फ्लो होगी तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी स्टडी करना हमारे लिए आवश्यक हो गया। तो यहाँ पर यह है कि जब इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो करंट फ्लो होने से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन जब हम इसको फ्री रूप से इसे सस्पेंड कर देंगे, व्हेन सोलेनोइड इज फ्रीली सस्पेंडेड, देन इट रेस्ट ऑलवेज इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये हमेशा जो रेस्ट करेगी वो केवल और केवल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगी, इस बात का ध्यान रखना। और वही कहानी फिर से कि अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, मान लीजिए करंट मैं अगर अपोजिट पोलैरिटी, बैटरी की अपोजिट पोलैरिटी, यानी इसको चेंज कर दिया, करंट मैं इधर से रन करा रहा हूँ, उसमें करंट मान लीजिए ऐसे दौड़ रही है एंटी क्लॉक वाइज, तो अब होगा क्या बच्चों? करंट ऐसे जा रही है तो इस कंडीशन में होगा क्या कि इस कंडीशन में जो सोलेनोइड है, अगर उसको फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है,
तो उसकी भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि एक मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रही है, तो हमें इसको पढ़ना यहाँ पर आवश्यक हो गया। अब सोलेनोइड का डेरिवेशन आता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें उसकी इनसाइड द सोलेनोइड कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि इस क्षेत्र में, बीच वाले क्षेत्र में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ हेडिंग लगा लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग लगा लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, सोलेनोइड के भीतर, परिनालिका के भीतर ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में बनता कितना है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, और हम यूज़ करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चों आप लोगों को कि एम्पियर सर्किटल लॉ हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ चीज़ें बड़ी हमारे समझ से परे हों। तो अब आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सोलेनोइड का, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये जो सोलेनोइड है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया कि इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया, ये जब मैं इसे बैटरी से कनेक्ट करूँगा, मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो L है, और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जो लेंथ होनी चाहिए वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए इसकी रेडियस से, यानी कि जो मैंने इसके जो फेरे लगाए हैं, जो टर्न्स लगाया है, जो ये रेडियस बन रही है R, इससे काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए इसकी लेंथ। तो जब इसमें करंट रन करेगी I, तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस परिनालिका के भीतर, इस सोलेनोइड के भीतर, तो वो कितना बनेगा वो हमें कैलकुलेशन करनी है, और उसके लिए हमें यूज़ करना होगा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या काम किया कि मान लीजिए मुझे इनसाइड द सोलेनोइड इस बीच में कहीं निकालना है, इस पी पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, अब पी पॉइंट पर कितना होगा, तो अब उसके लिए थोड़ा एनालिसिस करनी होगी। अब थोड़ा इस डायग्राम को मैं थोड़ा ब्रेकअप करके दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए जब ये करंट इसमें रन कर रही है, तो ये करंट कुछ इस टाइप से आएगी, इधर जाएगी, इधर ये, यानी कुछ आपको क्लॉकवाइज सा दिखाई दे रहा है, दिस टाइप वापस ये फिर से बैटरी में आ जाएगी, है ना। तो अब मैं इसी स्ट्रक्चर को लेता हूँ, पूरा हमें बनाने की आवश्यकता है नहीं, तो मैंने ये फिर से लिया, तो करंट कुछ आपको इस टाइप से दिखाई दे रही है, लाइक दिस। ठीक है, और जो मेरा पॉइंट पी था मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, वो ये था पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आप जानते हो कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में, कोई भी अगर वायर हो, कोई भी कंडक्टर हो, अगर उसमें करंट रन कर रही है, तो हमेशा और हमेशा अपने आसपास के क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ के आसपास पी पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। अब बच्चों देखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले हमें समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों मुझे ये देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालूं। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखा मैंने अपने थंब को, फिर अपनी फिंगर को फेरा, ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है, बड़ा हौच पौच हो रहा है। तो आप एक काम करो, इतना हौच पौच, इतना हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको इमेजिन करो कि इसी सोलेनोइड को आपने बीच में से कट कर दिया है। तो जब बीच में से कट करने से इसका जो व्यू देखेंगे, तो आपको कुछ व्यू कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पार्ट में आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि करंट बाहर की ओर जा रही है, ये देखिए, ये बाहर की ओर जा रही है, ये सारी करंट बाहर की ओर जा रही है, यानी मैं यहाँ पर डॉट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, यहाँ पे सारे के सारे डॉट ले सकता हूँ। कोई भी चीज़ बाहर दिखानी होती है फिजिक्स में, उसको हम डॉट से दिखाते हैं। और अब आप देखिए, ये करंट जो है फिर बाहर से जाने के बाद फिर ये अंदर की ओर एंटर कर रही है, अंदर की ओर आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, इनसाइड 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 इनसाइड, यानी नीचे वाले पार्ट में आप देख रहे हो ये क्रॉस 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 होना चाहिए। बोलो, सिंपल समझा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आना चाहिए। ऊपर की तरफ जो है वो बाहर की तरफ जा रही है, इसीलिए मैंने इसको आउटवर्ड दिखा दिया। और नीचे की तरफ देखिए करंट, करंट जे यू ट्यू यू 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 यू, मतलब इनसाइड अंदर की तरफ आ रही है,
तो अंदर की तरफ आने के लिए मैंने क्या ले लिया, क्रॉस ले लिया, बस यहाँ से चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएंगी। और ये पी पॉइंट बीच में था तो ये पी पॉइंट मैंने कहीं यहाँ ले लिया, ठीक है। अब ज़रा इसको फिर से देखते हैं, इतना मुझे क्लियर हो गया कि जो सोलेनोइड को कट करने पर ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका है सारा का सारा डॉट, और जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका सारा का सारा क्या है, क्रॉस। बस इमेजिनरी कट करना है, ये नहीं कि चाकू लेके आपने रियलिटी में ही कट कर दिया। ये पॉइंट पी था। अब देखिए, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहाँ नीचे करंट इनसाइड है, ये लीजिए और पी पॉइंट तक फैला लीजिए अपनी उंगलियों को। ये देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूनिफॉर्म वे में कुछ ऐसे जाएगा। ये देखिए, इधर रखिए, किधर भी रखिए, यूनिफॉर्म वे में जाएगा और यहाँ थोड़ा सा फैल जाएगा बाहर जाके। ये देखिए, आपको विश्वास नहीं होता तो आप इधर से चेक कर सकते हैं। करंट को रखिए, थंब को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आउटवर्ड और फिंगर को फैलाइए। ये देखिए, ये आ रहा है, यानी कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ बाहर की तरफ जा रही है और इधर फैल जा रही है। देखिए ना, पूरी उंगली को कर्ल करेंगे तो ये आगे की ओर मुड़ेगा, पूरी उंगली को कर्ल करेंगे तो बाहर की तरफ बैंड हो जाएगी। पी पॉइंट मेरा यही था, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बीचों बीच में कुछ इस टाइप से चल रही होगी और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा मुझे, ठीक है, बीचों बीच में। बस मेरा काम आसान हो गया। अब क्या है, मुझे लूप मानना होता है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको काटते हुए एक लूप मैंने कट कर लिया। ये मान लीजिए ये कोई मेरा लूप है, ये मेरा लूप है, ठीक है। सिमेट्री का ध्यान रखना, इस लूप का नाम दे दिया मैंने ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये मैंने ए बी सी डी मैंने लूप दे दिया। इस लूप का नाम है एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप, जो कि एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। रेक्टेंगल शेप आ रही है तो रेक्टेंगल बना लिया मैंने। अब क्या है, मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अब मुझे एम्पियर्स लॉ लगाना पड़ेगा। एम्पियर्स आर्किटेक्ट लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रेशन हमें यूज़ करना है बी डॉट डी एल, ये होता है म्यू नॉट टाइम आई इनसाइड। आई इनसाइड कितना फ्लो रहा है, उतने टाइम होता है, तो सबसे पहले बी डी एल निकालें। तो बी डी एल हम किसका निकालें भैया, ये लूप तो बहुत बड़ा है, तो लाइन पूरे ए बी का निकाल दें हम, पूरे सॉरी ए बी सी डी, पूरे ए बी सी डी का निकाल दें लाइन इंटीग्रल, ए बी सी डी पूरे का कवर कर लेते हैं हम, ठीक है। सी पॉइंट इधर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्वेंस वाइज चलेंगे। डी ए बी सी डी, ए बी सी डी का निकालना हुआ, तो अब इसके लिए मुझे टोटल निकालना पड़ेगा। तो लाइन इंटीग्रेशन देखूंगा, बी डॉट डी एल जो ए बी सी डी का होगा वो किसके बराबर होगा, लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ए बी का प्लस लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ए बी का हो गया, फिर बी सी का करूँगा, फिर लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल करूँगा मैं सी डी का, फिर लाइन इंटीग्रेशन करूँगा मैं डी ए का, ठीक है। अब देखिए, लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल का किया तो बी डॉट डी एल, अब देखो इसमें ए बी वाले पार्ट में देखिए तो ए बी पार्ट को एनालिसिस करना है, बी सी वाले पार्ट में देखोगे तो बी सी को एनालिसिस करना है, सी डी को देखोगे तो सी डी को एनालिसिस करना है, और डी ए को देखोगे तो डी ए को ही एनालिसिस करना। अब ए बी वाले पार्ट में देखेंगे तो ए बी पार्ट में देखिए जरा लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा। अब देखिए बी इधर है ओफी डायरेक्शन और डी एल एज्यूम कर लीजिए तो कॉस जीरो हो गया, यानी इक्वल टू हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन बी डी एल, बी बाहर ले लीजिएगा लाइन इंटीग्रेशन डी एल, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी एल, ये वैल्यू कुछ निकल के आ रही है। बी सी वाले पार्ट में देखेंगे तो बी सी वाले पार्ट में ये 90 नहीं हो जाएगा, डी एल जब आप इधर मानेंगे और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर जा रहा है, इसका मतलब ये 90 हो गया क्योंकि बी जो है वो परपेंडिकुलर है डी एल के, ठीक है। सी डी वाले पार्ट में देखेंगे, सी डी वाले पार्ट में देखिए, सी डी वाले पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आउटसाइड है, बी आउटसाइड है, सॉरी डी एल आउटसाइड पड़ रहा है, जब डी एल आउटसाइड पड़ रहा है तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई हिसाब बनेगा नहीं भाई, कोई हिसाब नहीं बनने वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ डी एल और यहाँ बी। इसको देखिए ज़रा डी ए को, तो डी ए वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बी जो है वो डी एल के लंबवत है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इधर जा रही है
और डी एल वैक्टर आपको इधर लेना होगा, इस हिसाब से 90 हो गया। तो भैया जब ये 90 होने से कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो ये टर्म्स आपका जीरो हो जाएगा और ये टर्म्स आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ डी एल आउटसाइड है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की हमें कंसीडर करना नहीं है, बी जीरो हो जाएगा क्योंकि हमें लूप पे मानना है और इनसाइड द निकालना है, तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड का बात नहीं करेंगे, तो ये तुम्हारा वैसे जीरो हो गया। तो बच्चा क्या केवल ए बी वाले पार्ट में ही बी डी एल सॉल्व हो क्या रहा है, जो कि है डी एल। बस आपको सॉल्व कर लेना है, आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल निकल के आता है म्यू नॉट इंटू आई। बी डी एल की जो वैल्यू निकाली है वो केवल बी एल निकल के आया, बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब हमें आई इनसाइड, हमें आई इनसाइड पता चल जाए एनी हाउ, तो बस मेरा काम बन जाएगा। अब देखिए, अब आप देखिए, अगर मैं बात करूँ इन वन लेंथ, अगर एक लेंथ है इसकी, तो इसमें मान लीजिए आपके एन टर्म्स हैं, ठीक है, और अगर एल लेंथ की बात करेगा तो एन एल टर्म्स हो जाएंगे। भाई पहले मैंने अगर यूनिट लेंथ मानी है तो उसमें एन फेरे मान लिए मैंने स्मॉल एन पर यूनिट लेंथ में, तो एल लेंथ होगी तो एन एल टर्म्स हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ कि वन टर्न की, इन वन टर्न, तो सॉरी आई करंट रन कर रही है, और अगर मैं एन एल टर्न की बात करूँगा तो करंट कितनी हो जाएगी, आई इंटू एन एल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बस लगा दीजिए इक्वेशन नंबर वन में, तो इक्वेशन नंबर वन में लगाएंगे हम तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये कितना है, बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, आई इनसाइड कितना है, आई इंटू एन इंटू एल, एल सी एल कैंसिल आउट हो जाएगा, बी इज इक्वल टू निकल के आएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ये एक्सप्रेशन है, आपको याद करना है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, जहाँ एन होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रहता है, ध्यान रखना, एन इज इक्वल टू एन अपॉन एल। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस हिसाब से, म्यू नॉट इंटू एन टू आई अपॉन एल। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिएगा, ऑल दी वेरी बेस्ट।